हेलो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर 2020। नए साल में मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो है पाइल्स या हिमोरॉइड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे पाइल्स क्या होता है और क्यों होता है। तो दोस्तों, पहले हम लोग जान लेते हैं कि पाइल्स क्यों होता है। पाइल्स या हिमोरॉइड्स, जिसको हर एक भाषा में अलग अलग नाम से बोला जाता है, तो हम लोग इंग्लिश का टर्म्स ही ज़्यादा यूज़ करेंगे कि पाइल्स और हिमोरॉइड्स, जो हम लोगों का रेक्टम या एनल कैनल है, जहाँ से हम लोगों का स्टूल पास होता है, वहाँ पे नेचुरली बहुत सारे ऐसे सिस्टम कर दिए गए हैं जिसमें आप जो बैठे हैं, सोए हैं या खड़े हैं, अपने आप स्टूल ना पास हो जाए। इसको बोला जाता है रेक्टल वाल्व और कुशंस। ये जो रेक्टर वाल्व और कुशंस है, इसमें हाईली वास्कुलराइज्ड एरिया रहता है जिसका ब्लड सप्लाई, जिसमें खून का जो सप्लाई है बॉडी का, ये बहुत ज़्यादा रहता है। जो अगर हम अपने हाथ को ऐसे करके राउंड कर ले, तो एक जो कैनल अंदर में बनेगा, उसको हम लोग अगर रेक्टम या एनल कैनल कल्पना कर ले, वहाँ पर जो आपका जो हाथ है, हाथ का जो ये मोटा मोटा उंगली जैसा है, ऐसा कुशंस आपके रेक्टम या एनल कैनल में भी है। जो हमारा रेक्टल जो एनल कैनल का जो कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेटेशन होता है, जो स्टूल के टाइम में हम लोगों का लैट्रिन करने के टाइम में जो प्रसारित होता है, उसको कंट्रोल करता है और वहाँ से स्टूल का पास होना या नहीं होना, इसको कंट्रोल करता है। तो ग्रेविटी के कारण आप, गुरुत्वाकर्षण जो बल है, उसके कारण आप जो बैठे हैं, खड़े होते हैं, आपका जो स्टूल का जो लोड है वो ग्रेविटी के कारण नीचे जाता है, लेकिन ये रेक्टम रेक्टल वाल्व्स या कुशंस तब बंद रहता है। उसके बाद जब आप लैट्रिन में बैठते हैं और प्रेशर क्रिएट करते हैं, एनवायरमेंट और न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स होता है, तब जाके ओपन होता है और स्टूल पास होता है। यही जो कुशंस है रेक्टल, उस कुशंस का जो हाईली वास्कुलर पार्ट है, उसमें जो हिमोरॉइडल कुशंस बोला जाता है या हिमोरॉइडल एरिया जिसको बोला जाता है, वहाँ पे हिमोरॉइडल प्लेक्सस बोल के कुछ वेन्स है। जैसे एक ये कुशन हो गया, तो ये अगर हिमोरॉइडल कुशन है, इसको बोला जाता है हिमोरॉइडल कुशन। फिर वो जो एरिया का जो वेन्स है, जिसमें हम लोगों का जो वेनस ड्रेनेज बॉडी से, सेल से, हर कोशिका से हार्ट में रिटर्न होगा, वो जो वेन्स है उसको हम लोग हिमोरॉइडल वेन्स बोलते हैं रेक्टल एरिया के। यही हिमोरॉइडल वेन से नाम हुआ है हिमोरॉइड्स, जो पाइल्स का और एक दूसरा नाम है। तो क्या होता है, हम लोगों का जब लैट्रिन में हम लोग बैठते हैं, उसका जो प्रेशर क्रिएट करते हैं, उससे धीरे धीरे एज एडवांसेस आपका जो उम्र बढ़ता रहेगा, या आपका अगर लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगा तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा और वहाँ पे जो हिमोरॉइडल वेन्स है वो आपका सूजन आ जाएगा, उसमें दर्द होगा। अगर वो चीर जाए, अगर हार्ट स्टूल आप पास करे तो वो अगर चीर जाए तो वहाँ से आपका खून आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पाइल्स। तो दोस्तों, पाइल्स सिंपली जो हम लोग मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं, इट इज़ द वेरिकोसिटी ऑफ द हिमोरॉइडल वेन्स ऑफ एनल कैनाल। एनल कैनाल मतलब रेक्टम का लास्ट हिस्सा, और हिमोरॉइडल वेन वहाँ पे होता है। इसका वेरिकोसिटी मतलब ये सिकुड़ जाता है और ये टॉर्चुअस हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, स्वेल्ड हो जाता है, तब जाके अगर ये चिढ़ जाए तो पाइल्स का ब्लीडिंग होता है। इन ए नॉट सेल पाइल्स का एक यही कारण है लोकली। अगर इसको हम लोग थोड़ा डीप में जाके स्टडी करें, और एक चीज़ हम लोगों के सामने आता है पैथोलॉजिकली, कि अगर आपका पोर्टल वेनस सिस्टम जो है, लीवर और जो अपर आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, उसका जो ब्लड है, उससे जो प्रेशर क्रिएट होता है, बैक प्रेशर, पोर्टल वेनस टेंशन जो जिसको हम लोग बोलते हैं, वो किसी का ज़्यादा रहे, तब जाके आपको पाइल्स का बीमारी ज़्यादा हो सकता है। इसके लिए लीवर और पोर्टा केवल एनास्टोमोसिस, पोर्टल वेनस सिस्टम, ये जानने जरूरी है, जो मैं एक दूसरा वीडियो डाल दूंगा। आज हम लोग का पाइल्स तक ही सीमाबद्ध रखेंगे। तो ये तो गया पाइल्स क्यों हो, क्या है, क्यों होता है पाइल्स। दोस्तों, जब भी आप लैट्रिन में बैठते हैं,
तब जब आप प्रेशर क्रिएट करते हैं, प्रेशर क्रिएट करने के वक्त अगर आपका स्टूल हार्ड रहा या ज़्यादा प्रेशर देना पड़े तो कई महीनों या कई साल, ये डिपेंड करता है आपका शरीर के ऊपर, तब जाके वो पाइल्स डेवलप करता है। इसके लिए आप फैमिली हिस्ट्री ऑफ पाइल्स अगर आपका रहा, माँ पिता को है या उनके पूर्वज को अगर है, तो आपको होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं रहा, जैसे आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, ओबेसिटी है, ऐसा होने से भी आपको पाइल्स होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ड्राइवर और टेलर लोग जब जो ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, आजकल जो कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं या ऑफिस वर्क करते हैं, जो ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, इनको भी पाइल्स होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। और एक चांसेस रहता है, जो अगर आप स्ट्रीट फूड्स, फास्ट फूड, स्पाइसी खाना अगर ज़्यादा खाते हैं, तो उनका जो डस्ट है, मसाला जो है, वो आपका स्टूल से अनडाइजेस्टेडली बिना हजम किए हुए वो पास होगा, तो वो पाइल्स का वो जगह को चीड़ देगा, उससे खून निकलेगा, इसी से आपका पाइल्स का एग्रवेशन होगा। तो ये सब तो गया कारण क्यों होता है, कैसे होता है। और एक लास्ट में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट हम आपको बताना चाहते हैं कि पाइल्स का हम लोग का 4 डिग्री होता है, फर्स्ट डिग्री पाइल, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। व्हाट इज़ फर्स्ट डिग्री पाइल्स? अगर पाइल्स का खून आपका अंदर तक ही रहे, अंदर से बाहर तक आ जाए और पाइल्स बाहर में नहीं दिखे, तो आपका फर्स्ट डिग्री है। अगर जब भी आप स्टूल करने बैठते हैं तब पाइल्स बाहर आ जाए और आप उसको ऐसे ही स्टूल ख़त्म होने के बाद, वाटर यूज़ करने के बाद अगर वो अंदर चला जाए स्पॉन्टेनियसली अपने आप, तो सेकेंड डिग्री है। थर्ड डिग्री पाइल्स हम लोग बोलते हैं, अगर जो पाइल्स का प्रोलैप्स हुआ, बाहर आ गया स्टूल के टाइम, तब आप उसको उंगली से अंदर कर रहे हैं, तो उसको थर्ड डिग्री बोलते हैं। और अगर आप उंगली से भी पाइल्स का जो प्रोलैप्स हुआ अंदर से, उसको अंदर नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम फोर्थ डिग्री या प्रोलैप्स्ड पाइल्स बोलते हैं। तो इसके ऊपर मैं और 2 वीडियो डालने वाला हूँ सीरीज कर बना के, कि व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर पाइल्स एंड व्हाट इज़ द डाइट एंड रेजिमेंट फॉर पाइल्स। प्लीज़ उसको आप वॉच कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। और किसी टॉपिक्स पे अगर आपको देखना है वीडियो, तो ज़रूर शेयर कीजिए मेरे साथ, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ वॉच फॉलोइंग 2 वीडियोज़ अबाउट पाइल्स, व्हाट इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर पाइल्स एंड व्हाट इज़ द डाइट एंड रेजिमेंट फॉर पाइल्स। थैंक यू वेरी मच।